जी आपका स्वागत है नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। आज मेरा बर्थडे है और मैं आपको शानदार जगह ले जाऊंगा। आप लोग आप मुझे बर्थडे विश करना मत भूलना। तो जी स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नए व्लॉग में। आज दोस्तों रक्षित का बर्थडे है तो माताजी ने बोला कि इसका बर्थडे थोड़ा स्पेशल बनाओ, कहीं इसको घुमाकर लाओ। तो पहली सजेशन जो थी वो ये थी कि भाई सालासर बालाजी मंदिर चले जाओ, उसके बाद में आगे का कोई प्लान देख लेना। तो फिलहाल दोस्तों सबसे पहला फोकस रहेगा कि सालासर बालाजी मंदिर जाएंगे। इस मंदिर के बारे में आपको बता दूँ, ये 1811 में बना था और इसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें मिलते हैं। इस मंदिर की जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा रोचक है और इस मंदिर में जो सालाना चढ़ावा आता है उसके बारे में भी फैक्ट बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। सालासर बालाजी मंदिर मतलब राजस्थान, हरियाणा, पंजाब ये स्टेट जो है इनमें काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लोग पैदल चलकर आते हैं बहुत दूर से, मतलब राजस्थान आते हैं, हरियाणा से लोग, पंजाब से भी आते हैं। तो काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी भव्य मंदिर है और इसके बारे में कोशिश करूँगा मैक्सिमम चीज़ें आपको समझाने की, क्या लोकेशन है। अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं, यात्रा शुरू करते हैं। आप साथ में बने रहिए ताकि सारी जानकारी आपको मिलती रहे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ में रक्षित का बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे, उसका इंट्रो आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आगे मैं आपको सुना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी फाइनली पहुंच चुके हैं सालासर बालाजी धाम। गाड़ी लगा दी है, अब पैदल पैदल जाएंगे क्योंकि आगे गाड़ी अलाउड नहीं है। तो जो रस भी है वो भी साथ में आपको दिखाऊंगा। जूते चप्पल सारे उतार दिए हैं, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पीछे आप जो गेट देख रहे हो ये कोविड गाइडलाइन की वजह से अभी क्लोज है। ये गेट नंबर 1 है, ठीक है। गेट नंबर 1 से एंट्री नहीं है तो आगे जाते हैं, जो मेन गेट है सामने वाला वहाँ से एंटर करेंगे और परमिशन भी लेनी पड़ेगी क्योंकि कोविड गाइडलाइन की पालना हो रही है अच्छे से। यहाँ मैं इसलिए बैठा हूँ परमिशन लेने के लिए क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। अंदर कैमराज वगैरह अलाउड नहीं है तो अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अंदर ऑफिस में कुछ लोग हैं ऑलरेडी जो परमिशन चाहते हैं, उनके बाद मेरा नंबर आएगा तो अंदर जाकर जो समिति के अध्यक्ष है, मंदिर समिति के अध्यक्ष जो है उनसे बात करेंगे। जय श्री बालाजी की पंडित जी। जय श्री बालाजी। तो दोस्तों मैंने जब परमिशन लेने की कोशिश की तो मुझे मंदिर समिति के सदस्य मिले हैं, जो इस सालासर मंदिर का जो पंडित परिवार है, पुजारी परिवार है, उससे ये संबंधित है। तो मैं इनसे जो भी इंटरेस्टिंग रुचिकर फैक्ट है जो परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और जो ऑल इंडिया के अंदर सालासर बालाजी की जो बातचीत होती है, इस मंदिर को पूजा जाता है, उसके पीछे जो फैक्ट है वहां से शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं इनसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर भारत से, राजस्थान से, हर एक राज्य से बड़े बड़े अधिकारी लोग आते हैं सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए, इसके पीछे बड़ा क्या कारण है? आपने सही प्रश्न किया कि सालासर बालाजी जैसे हनुमान जी, हम प्यार से उनको बालाजी कहते हैं। आपने कभी हनुमान चालीसा सुना होगा, पढ़ा भी होगा,
कि बुद्धिहीन तुम जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरे क्ले सविकार। इसमें हनुमान जी जो है वो बुद्धि के बल के दाता है, और हनुमान जी का जो मैनेजमेंट आप देख रहे हो सीता जी से लेकर के रावण से लेकर के आज तक जितना जिस तरीके से हनुमान चालीसा में वर्णन किया हुआ है, तो जो बच्चे लोग पढ़ते हैं, जो भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, और जो भगवान उनको बुद्धि देता है तो वो कोई इंटरव्यू देता है आईएएस की, कोई आईएपीएस की, या कोई डॉक्टरी की, तो बुद्धि के लिए प्रार्थना करके ही वो इंटरव्यू देता है, और भगवान उसमें वो बुद्धि डाल देते हैं। उसी टाइम में जो भी इंटरव्यू करते हैं ऑटोमेटिकली उनमें ऐसी भावना और दिमाग में उनका जो उत्तर है वो उनको मिलता है। इसीलिए ज़्यादातर जो लोग हैं वो बालाजी के दर्शनों के लिए इसीलिए आते हैं कि ये सब हनुमान जी की कृपा है, क्योंकि पूरे हनुमान चालीसा में जो लिखा हुआ है वो बुद्धि और बल के संबंधित ही लिखा हुआ है। बिल्कुल, देखिए इन्होंने सटीक जवाब दिया है हमें कि भाई सद्बुद्धि के लिए यहाँ आते हैं, और यहाँ आने के बाद में जो बुद्धि है वो तेजी से काम करने लग जाती है, और फाइनल सिलेक्शन तक भी उनका साथ बालाजी का मिलता है, फिर आगे भी मिलता है। यहाँ पर जो मेले भरते हैं साल में वो कितनी बार भरते हैं? यहाँ मेले वैसे अमूमन चैत सुदी पूर्णिमा, आसो सुदी पूर्णिमा, ये बड़े दो मेले लगते हैं, और एक 31 दिसंबर का मेला भी अब धीरे 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 बढ़ने लग गए। कौन कौन से राज्य से पैदल चलकर आते हैं, क्योंकि पैदल भी बहुत श्रद्धालु आते हैं? पैदल ज्यादातर ये हरियाणा और पंजाब, यहाँ के लोग पदयात्री है। वैसे देखो नेपाल से भी आते हैं, कलकत्ता से भी आते हैं, बंगाल बिहार सभी लोगों से आते हैं, लेकिन विशेष रूप से हरियाणा के जो लोग हैं, बालाजी के जो भक्त हैं, वो पैदल आते हैं। बिल्कुल, एक ही यहाँ पर मैंने पंडित जी सुना है कि जो मेले भरते हैं उनमें लाखों की संख्या होती है, लगभग कितने श्रद्धालु आते हैं पूरे साल भर में अगर हम देखें तो? नहीं, साल भर में देखो अमूमन ऐसी जगह आते हैं यहाँ कि अमूमन 10,000 पर डे का हम मानते हैं, वो पर डे का इसी तरीके से उसमें रविवार आ गया, उसमें मंगलवार आ गया, उसमें शनिवार आ गया, उसमें पूर्णिमा भी आ गई, तो अमूमन हम एवरेज ये मानते हैं कि 10,000 पर डे। तो काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, और भारत के जो टॉप कैटेगरी के टेंपल है, जो बड़े बड़े मंदिर हैं, उनमें बालाजी का मंदिर शुमार है। मंदिर का जो खुलने का समय उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए आप। मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है, तो अंदर जो नित्यक्रम है, भगवान का स्नान है, आरती है, भोग है, वो जो भी लगता है वो अंदर लगता है। आम यात्रियों के लिए 7 बजे मंदिर खोल दिया जाता है, और रात्रि 8 बजे तक मंदिर खुला रहता है। कि अगर कोई काफी दूर से आना चाहे, कोई दूसरे राज्य से आता है कोई श्रद्धालु, तो उसके ठहरने की कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? नहीं, यहाँ बालाजी के खूब गेस्ट हाउस बने हुए हैं, खूब होटलें हैं, खूब धर्मशालाएं बनी हुई है, रुकने का पूरा प्रबंध है, क्योंकि यहाँ बालाजी के भक्त आता है वो अपनी जमीन खरीद के अपनी गेस्ट हाउस है या धर्मशाला है या होटल खड़ी करता है, और आने वाले हर यात्रियों की वो सुविधा देता है। मतलब किसी भी तरह से आपको यहाँ पर आते हो तो परेशान नहीं होना पड़ेगा? बिल्कुल। तो पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने समय निकाला और आपके साथ में मेरे साथ में बहुत सारी जानकारी शेयर की। थैंक यू। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी की। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका ये चैनल आगे बढ़े और आगे बढ़ता रहे, ये हमारी बालाजी से कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आभार आपका। जय श्री बालाजी।
दोस्तों सालासर बालाजी मंदिर की बात करूं तो 1811 में एक किसान के खेत में एक मूर्ति निकली थी, एक नहीं बल्कि दो मूर्तियां निकली थी। और उस किसान की वाइफ आती है उसी समय खाना लेकर दोपहर का, और फिर वो किसान उसको बताता है कि यहाँ मुझे दो मूर्तियाँ मिली है। जब वो हल जोत रहा था तो जो हल होता है वो उस मूर्ति के लगा था और वहाँ से मतलब एक ध्वनि निकली थी। उस ध्वनि को सुनकर किसान ने वहाँ पर खुदाई की, खुदाई के बाद में वहाँ पर मूर्तियाँ निकली। फिर उसने अपनी वाइफ को ये सारी कहानी बताई, फिर उसकी वाइफ ने अपनी साड़ी से उनको साफ किया। उसके बाद में असोटा गांव था वो जहाँ पर मूर्ति निकली थी, उस गांव के एक पंडित को सपना आता है कि भाई ये जो मूर्ति निकली है ये एक तो सालासर नामक जगह पर स्थापित होगी और दूसरी जो मूर्ति है वो जसवंतगढ़ नाम का एक छोटा सा शहर है, कस्बा, वहाँ पर स्थापित होगी। तो 1811 में मतलब उसी समय तुरंत ही उस मूर्ति को सालासर पहुँचाया गया और उसकी स्थापना की गई। धीरे धीरे 1811 से लेकर आज हम 2021 में हैं, बहुत बड़ा मंदिर बन गया, चढ़ावा भी बहुत बड़ा आता। भारत के जो मुख्य मंदिर हैं उनमें सालासर बालाजी का नाम आता है। एक इंटरेस्टिंग जानकारी आपको बताना चाहूँगा कि सालासर बालाजी जो मंदिर है वो मुसलमानों के द्वारा बनाया हुआ है, मतलब जो कारीगर थे वो फतेहपुर के मुसलमान थे। और ये एक ही ऐसा मंदिर है भारत में जहाँ पर बालाजी के दाढ़ी और मूछें बनी हुई है, ऐसा कोई अन्य मंदिर आपको नहीं मिलेगा।